Hello everyone, how are you all? I hope you are fit and fine wherever you are. So I hope that you are watching our videos also and learning. तो उसी क्रम में हम आगे ट्रांसलेशंस पे आ चुके हैं. अगर मैं आपको पहले से रिमाइंड करूँ, व्हाट वी स्टार्टेड विद द टेंसेज. सारे 12 टेंस की फॉर्मेशन आपको बता दी गई है. आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी और कम से कम हिंदी से मैच कराने की कोशिश की होगी कि कौन सा टेंस मैं हिंदी में वाकई कैसा दिखाई देता है और फिर उसको कैसे ट्रांसलेट करें, अफर्मेटिव स्पेशली पहले. उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे उसको इंटरोगेटिव में बनाना है और वो भी कौन सा इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब टाइप, जिसमें ये भी बताया गया था कि आपके पास में अगर हेल्पिंग वर्ब है अफर्मेटिव फॉर्मेशन में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है. यू हैव टू जस्ट ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट और आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है जिसमें हिंदी में वाक्य शुरुआत होती है क्या से, जैसे कि क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, एंड यू हैव टू ऑप्शंस टू आंसर, वन यस एंड नो. और उसके बाद फिर मैंने नेगेटिव का आपको बताया था. नेगेटिव में क्या है कि जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू पुट नॉट एंड देन सपोज आई से ही डजंट गो और आई डोंट गो, द आंसर वुड बी इन नेगेटिव लाइक वाइज. तो ये हो गया था. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो पहले वाले वीडियोस को चले जाएं और पहले वाले वीडियोस को देख लें, उससे और क्लियर हो जाएगा. सो अफर्मेटिव हो गया, देन इंटरोगेटिव हो गया, उसके बाद में नेगेटिव हो गया, मीन्स वी आर रेडी टू राइट आंसर समवन स्पीक. दिस इज द ओनली पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्पीक ऑल्सो. आफ्टर दैट आई टोल्ड यू टू लर्न अबाउट WH. WH में भी क्या था, ज़्यादा कुछ नहीं, WH वर्ड्स सिर्फ जोड़ना था और स्ट्रक्चर करीब करीब वही है जो भी था, तो वो भी आपको मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में करवा दिए. ये सब सीखने के बाद में भी कुछ ऐसे इशूज़ रह जाते हैं कि कई बार कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. आई डोंट से दैट एवरी वन इज़ कन्फ्यूज्ड, बट समवन, इफ आई से सम पीपल, सम स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड. वो कन्फ्यूज़न कहाँ पर आता है वो मैं आपको आज वो टिप्स में सारे बताने वाला हूँ. So just be focused while watching and learn how it is. अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हेडिंग ही डाली है ट्रांसलेशंस हिंदी टू इंग्लिश, तो हम कर रहे हैं और दिस इज द एक्चुअल बेसिक यू कैन से मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश. इफ यू नो हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज वेरी वेल, यू कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस. दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड इज कॉल्ड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश. And still it is so effective. Though I think, ऐसा मैं भी सोचता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट में आपसे सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलूँ, डेली आप मेरी बातों को सुनो तो वैसे भी सीख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी मुझे लगता है कुछ दिक्कत बनी रहती है. सो आई हैव मिक्स्ड इट, थोड़ा मैं हिंदी बोलता हूँ आपके लिए, थोड़ा मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, थिंकिंग दैट दोनों मीडियम के बच्चों को ये सूट कर जाएगा. मोर ओवर हिंदी मीडियम वाले जो हैं अगर थोड़े थोड़े वर्ड्स पिक करने लग जाएँ जो भी मैं बोलता हूँ तो भी आप सीख सकते हैं. सो उसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई हैव डन, आई हैव मिक्स्ड बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ चलती रहती है. थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल ही आसान है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको सीख नहीं सकते. यू कैन वेरी वेल लर्न, बहुत ही आसानी सीख सकते हैं. चले तो फिर हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर. तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश. टिप्स मैंने इंटरोगेटिव लिखा हुआ है ब्रैकेट में. क्यों मैंने लिखा है इंटरोगेटिव, क्योंकि WH का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो हम बेसिक रूल से कई बार जाते हैं. अब मैं आप पहले तो बताता हूँ कि जैसे प्रेजेंट सिंपल का पहला वाक्य कौन जाता है, बच्चे सीख जाता है. उसको मान लो कि मैंने ये सिखाया है कि WH के बाद में डू डज का प्रयोग करना है और वो डू डज सब्जेक्ट के लिए यहाँ से चूज करेंगे और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद व्हाट एवर इंटरोगेटिव. ये मैंने सिखाया है और यही वो आपको बुक्स में भी मिलेगा कहीं पे भी आप. लेकिन अगर ये बनाना आ गया और उसमें बच्चा ये बनाने की कोशिश कर रहा है हु डज कैसे भी रख दिया उसने, उसके बाद में गो ऐसा कुछ कर दिया, इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा. जो मेरी हिंदी है उस हिंदी से बिल्कुल ही डिफर करेगी. मोर एवर ये डज कैसे आ गया, ये डज कब आएगा, जब यहां पे कोई सब्जेक्ट होगा ही सीट, इसके लिए हम चुनेंगे. इसका मतलब ये
फॉर्मेशन सही होते हुए भी ये ट्रांसलेशन तो आपका गलत है इस सिचुएशन में। तो ये टिप्स सीखना है कि ये जो हु है ये हु अफर्मेटिव रूल को फॉलो करता है, बस इतना याद रखना है आपको। कोई भी टेंस का हो ये अफर्मेटिव रूल को ही फॉलो करेगा। क्यों करेगा अफर्मेटिव रूल को फॉलो? कि हु इज एक्टिंग लाइक ए सब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट ही ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्लास रखी है आज, कि जो भी इसमें दिक्कतें आती है WH इंटरोगेटिव को बोलने में या ट्रांसलेशन करने में, वो सारी समस्याओं का अंत हो जाए आज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हु को हम WH रूल से अगर लिखेंगे इस प्रेजेंट सिंपल के लिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए तो दिक्कत आ जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पता नहीं लगता है क्योंकि सीधा ही ईज आ जाता है इसीलिए, लेकिन जहाँ तक प्रेजेंट सिंपल में सबसे ज़्यादा बच्चे गलत बनाते हैं, तो इसलिए मैंने प्रेजेंट सिंपल का ही फॉर्मेशन लिया यहाँ पे। डोंट गो विद दैट, यू हैव टू गो विद द अफर्मेटिव, सकारात्मक रूल से जाएंगे। और हु को हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं ज़्यादातर। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं प्लूरल केस में, तो ही प्लूरल मानूंगा हु को, नहीं तो मैं जनरली सिंगुलर केस में ही लूंगा। अगर ये सब्जेक्ट और इसको मैं सिंगुलर मान रहा हूँ और उसके बाद में वर्ब आ रहा है गो, तो नेचुरली SES लगाना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से। सिंपल ट्रांसलेशन विल बी हु गोज क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव है, WH है, रूल कौन सा फॉलो कर रहा है? अफर्मेटिव। यही आपको देखना है। अब मैंने इसी का दूसरा लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ WH के बाद में इज आर एम आता है, इज आर एम आने के बाद में सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं इधर एम और आर और इफ केस इज रिक्वायर्ड ऑफ इज एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ऐसा केस हम देखते हैं उसके बाद। लेकिन यहाँ पे जब हु का केस होगा तो हु के लिए सीधा ईज आ जाएगा, मतलब यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट हु अपने आप में ही सब्जेक्ट है, जैसा पहले बताया वही केस यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु इज गोइंग, इससे और समझ में आ जाएगा, ये सीधा यहीं से ले रहा है हेल्पिंग वर्ब और ये सीधा यहीं से वर्ब ले रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों, कि हु के केस में हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो, विच का प्रयोग करना है। अब विच का प्रयोग करने में क्या होता है कि यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं। जो लर्नर हैं वो संभावना है कि गलती कर सकते हैं, फॉर दैट रीजन ओनली वी आर हियर। सो आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विच का प्रयोग करना है, तो विच के साथ में आपके लिए टिप्स यही है कि विच के साथ में जो भी नाउन होगा वो जुड़ जाएगा और तब जाके ये WH फॉर्म होगा और ये WH की जगह रखा जाएगा। ये टिप्स है। अब मान लो इसमें है कौन सा अखबार, तो ये कौन सा बच्चे अलग कर देते हैं, अखबार कहीं और लिख देते हैं, गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को अगर ये टिप्स बताया तो विच न्यूज़पेपर, अखबार यानी न्यूज़पेपर, ये पहले फॉर्म हो गया। अब ये WH की जगह जाएगा, बाकी फिर रूल वही है प्रेजेंट सिंपल का, जैसे अभी देखा था डू डज। देखो हम करते हैं इसको, विच न्यूज़पेपर, ये WH की जगह आ गया। अब सब्जेक्ट कौन सा है, तुम, मैं पहले सब्जेक्ट लिखता हूँ यू। यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है प्रेजेंट सिंपल के लिए, डू, हो गया। सो विच न्यूज़पेपर डू यू, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ने का रीड, ये हो गया। अभी मैं आंसर भी बना के बताऊंगा ये सब के, पहले प्रश्न तैयार कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कितने लोग हैं, कितने लोग भी कई बार हु वाले केसेस में आ जाता है, ये अपने आप में सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ मेनी के साथ में भी फिर नाउन जोड़ना पड़ेगा, कितने लोग। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको यही करके बता देता हूँ, हाउ मेनी, ये तो WH वर्ड की जगह पे आ गया, लेकिन इसके बाद में इज आर एम जो सब्जेक्ट के लिए आता है वो नहीं, यही सब्जेक्ट बन रहा है। कैसे, हाउ मेनी और इसी में नाउन जोड़ना जरूरी, यही टिप्स सीखना आपको, हाउ मेनी पीपल। अब ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इसके लिए अपने को हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, इसके लिए आर आ रहा है। जबकि नॉर्मली WH में क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में आता है और उसके पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग, WH इंटरोगेटिव है लेकिन फॉर्मेशन ही कौन सी है, अफर्मेटिव, बिल्कुल ये वाला। अब उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने, तुम कितने लोगों को पढ़ाते हो, इसमें कितने लोग तो हैं अगेन, लेकिन सब्जेक्ट अलग है यहाँ पे, तुम है।
तो अब ये बिल्कुल बेसिक जो स्ट्रक्चर है WH इंटरोगेटिव का, उससे ये लिखना होगा। तो देखते हैं, हाउ मैनी पीपल, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको इसके अंदर नाउन हाउ मैनी के साथ में। अब इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है? यू। तो यू के लिए प्रेजेंट सिंपल में अपन क्या यूज करेंगे? डू। सो हाउ मैनी पीपल डू यू, ये डू यहां पर यू के लिए आ रहा है, ना कि हाउ मैनी पीपल के लिए आ रहा है। जबकि यहां पर ये आर किसके लिए आ रहा था? हाउ मैनी पीपल के लिए आ रहा था। तो ये अफर्मेटिव फॉर्मेशन है और ये एक्चुअल में इंटरोगेटिव फॉर्मेशन है, लेकिन ये भी इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव है। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो हाउ मैनी पीपल डू यू टीच, पढ़ाते हो, पढ़ाना मीन्स टीच। ओके, तुम किसके घर में रहते हो? मान लो कि ऐसी सिचुएशन सिखाने के लिए मैंने ऐसा सेंड है, सभी अपने घर में रहते हैं या किसी रिलेशन के किसी के घर में मान लो रह रहे हो, और किसी ने पूछा भाई किसके घर में रहते हो, मान लो काम में भी आ जाता है। तो ये सिखाने के लिए कि हुज का प्रयोग करना है, तो हुज भी जब तक इसके साथ में कुछ जोड़ा नहीं जाए हुज भी काम नहीं करता है। और जब ऐसा कर देते हैं तभी WH इसके लिए सुटेबिलिटी आती है। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हुज हाउस, और सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो यू हो गया। यू के लिए प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाला है? डू आने वाला है। सो हुज हाउस डू यू लिव, आंसर होता है आई लिव इन माई अंकल्स हाउस एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए मैंने क्या क्या स्पेशल केसेस लिए, हु ले लिया, विच ले लिया, हुज ले लिया, हाउ मैनी ले लिया। इसी पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इफ यू आर राइटिंग और स्पीकिंग WH फॉर्मेशन, विच यू हैव टू, बिकॉज वंस यू आर टॉकिंग टू समवन इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरोगेटिव ओनली। सो इंटरोगेटिव से शुरुआत करते हैं तभी तो उत्तर मिलना शुरू होता है, फिर वो कुछ पूछता है, फिर हम कुछ जवाब देते हैं। अगर आप पैसेजेस कर रहे हो तो पैसेजेस में भी यही आपको लिखना है बोलने के बजाय, दैट इज राइटिंग इज ऑल्सो स्पीकिंग ओनली, दैट इज वॉट ऑन द पेपर, सिर्फ पेपर पे हम लिख रहे हैं, लिखना मतलब बोलना ही है पेपर पे। अब ये नॉर्मल केस में जो हम लोगों ने WH सीखा है वो कि वो फॉर्मेशन यूज होती है यहाँ पे, जैसे आप क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, ये देखो WH की जगह WH आ गया, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आर आएगा, आर आ गया, और उसके बाद में डूइंग आ गया। सो वॉट आर यू डूइंग, कोई प्रश्न पूछ रहा है आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं, अभी मैं कुछ आंसर भी करके बताऊंगा। आप कब जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल का है, आप और तुम अंग्रेजी में एक ही है, मैंने हिंदी में इसलिए कभी आप लिखा है कभी तुम लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब ये प्रेजेंट सिंपल का बिल्कुल WH का जैसा रूल सीखा है वैसा ही है। तो कब का मतलब क्या है? वैन। ओके, ये हो गया। आप यानी क्या है? यू है। अब यू के लिए हेल्पिंग वर्ब इधर आएगा, इसलिए नहीं कि वैन के लिए आ रहा है, ये आ गया डू। सो वैन डू यू, और जाना मतलब गो, वैन डू यू गो, कब ऑफिस जाते हैं, वैन डू यू गो ऑफिस, लाइक वाइज। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, सारे मैंने करके बता दिया आपको। अब मान लो कि मुझे इसके आंसर्स देने हैं, थोड़ा आंसर्स कर लेते हैं, देन वी कैन राइट एंड स्पीक आल्सो हू गोज। और इसलिए सिखा रहा हूँ ये क्योंकि आपको पैसेजेस में भी ऐसे करना है। हु गोज, सपोज आई से राम गोज, कौन जाता है? राम जाता है, आंसर इज रेडी। हु इज गोइंग, सपोज आई से मोहन इज गोइंग, ऐसे मोहन इज गोइंग, लाइक वाइज। तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो? सपोज आई रीड राजस्थान पत्रिका, आई कैन से ओनली वन वर्ड आंसर आल्सो द राजस्थान पत्रिका, दिस मच आल्सो इफ यू राइट और स्पीक। हाउ मेनी पीपल आर गोइंग, सपोज यू से 10 और 10 पीपल आर गोइंग, देन आल्सो योर आंसर इज कंप्लीट। ओके, हाउ मेनी पीपल डू यू टीच, सपोज से आई टीच 10 पीपल, और सिंपली यू से 10 पीपल, सो लाइक वाइज। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। ओके, हूज हाउस डू यू लिव इन, आई लिव इन माई अंकल्स हाउस, ओके दिस इज डन। ओके, वॉट आर डूइंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, सपोज सो विल बी हैविंग लॉट मेनी ट्रांसलेशंस इन द फ्यूचर क्लासेज। ओके, वेन डू यू गो, सपोज स्कूल है, आई गो एट 10, दैट्स इट। लाइक वाइज वी हैव टू कीप ऑन डूइंग बिकॉज नाउ ऑल द स्ट्रक्चर्स आर क्लियर। सो इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू डेवलप द वर्ब्स एंड वर्ड्स यू कैन वेरी वेल स्पीक एंड राइट।
So in the next classes, I am going to tell you about the words also. I will give you 5 words to practice. Likewise, now we'll be building up the words also. So thank you very much for the day. I hope you are now enjoying. Why? Because you have all the structure, you have all the formation, and with the practice, you can very well speak, write, and understand. Thank you very much. Have a nice day.